Hello everyone, this class is presented to you by Didymi IAS. In this class, we will be covering Chapter 7 of Class 11 NCERT Indian Constitution at Work. So first of all, let's have a look at the index of this book. And in total, there are 10 chapters and today we will be covering Chapter 7, Federalism. So after studying this chapter, you will be able to understand the following. What is federalism? The federal provisions in the Indian Constitution, the issues involved in the relations between the center and the states, and the special provisions for certain states having a distinct composition and historical features. So in this chapter, we will try to understand the concept of federalism. We will try to understand what are the various federal provisions in the Indian Constitution. And also due to this federal structure, various issues they arise between the central government and various state governments. So why these issues they arise and on what basis? What is the actual issue due to which these kind of conflicts they arise? So all these topics will be covered in this chapter. So first of all, what is federalism? तो दो तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं, एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट, एक होती है फेडरल गवर्नमेंट. यूनिटरी स्ट्रक्चर और फेडरल स्ट्रक्चर, जो तो होता है यूनिटरी स्ट्रक्चर, उसमें जो सारी पावर्स होती हैं दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन दी हैंड्स ऑफ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर्स होती हैं, रीजनल गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कोई पावर नहीं होती. Whereas under this federal structure, जो powers हैं वो एक ही level of government के पास, they are not centralized. In fact, there is division of powers. Powers are divided between the central government and various regional governments or state governments. तो unitary में जो powers हैं वो एक ही government के पास है. For example, अगर India एक unitary country होती, अगर हम यूनिटरी स्ट्रक्चर फॉलो करते होते तो सारी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास कोई पावर नहीं होती. बट बिकॉज वी आर अ फेडरल कंट्री, वी फॉलो दिस फेडरल स्ट्रक्चर, दैट इज़ वाई सम पावर्स दे आर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट के पास है, एंड सम पावर्स दे आर विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं, हरियाणा गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं. सो देयर इज़ डिविजन ऑफ पावर्स. सो फेडरलिज्म इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू अकोमोडेट टू सेट ऑफ पॉलिटीज, वन एट द रीजनल लेवल एंड द अदर एट द नेशनल लेवल. Each government is autonomous in its own sphere. In some federal countries, there is even a system of dual citizenship. India has only a single citizenship. तो कुछ कंट्रीज़ में फेडरल स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि दो गवर्नमेंट हो गई तो वहाँ पर डूअल सिटीजनशिप भी होती है. बट इंडिया में दो, वी आर अ पर्सन, ही इज़ अ गुजराती एज वेल एज ही इज़ एन इंडियन, तो दो आइडेंटिटीज़ हो गई, पंजाबी भी है, इंडियन भी है, हरियाणवी भी है, इंडियन भी है, गुजराती इंडियन, बट फिर भी वी फॉलो अ सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप ओनली, वी आर एन इंडियन सिटीजन. आइडेंटिटीज़ दो हैं बट सिटीजनशिप सिंगल है. तो ये जो दोनों गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, वो ऑटोनोमसली काम करती हैं. तो काम कैसे करती हैं? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तीन तरह की लिस्ट मेंशन है. There is a state list, there is a union list and there is a concurrent list. तो जो union list है उसमें कुछ important matters जैसे कि defense हो गया, जैसे कि foreign affairs, currency, तो ये जो सारे matters हैं वो union list में लिखे गए हैं. That means इन matters के ऊपर जो laws हैं वो सिर्फ union government या फिर central government ही बना सकती है. Whereas जो थोड़े regional related subjects हैं या फिर जो लोकल सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वही लॉज बना सकती हैं. और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें जो मैटर्स मेंशन है, आई गेस एजुकेशन इज़ इन द कॉन्करेंट लिस्ट, तो उन मैटर्स के ऊपर दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स लॉज बना सकती हैं. एंड इन केस कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना दिया और कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने बना दिया, एंड इन केस एनी डिस्प्यूट अराइजेज दैट इज़ टेकन केयर ऑफ बाय द इंडिपेंडेंट जुडिशरी ऑफ आवर कंट्री.
तो इस तरह से तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये जो हमारी एनसीईआरटी है, इस चैप्टर के आई गेस पेज नंबर 159 पे जो तीनों लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो मेंशनड है। सो प्लीज़ रीड दोज लिस्ट, क्योंकि समटाइम्स यू जस्ट गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स आर मेंशनड इन द यूनियन लिस्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स आर मेंशनड इन द स्टेट लिस्ट। तो रेफर टू दैट पेज एंड ट्राई टू रिमेंबर दीज सब्जेक्ट्स कि कौन सी लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट है। नाउ फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ दैट इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। नो वेयर इन आर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ मैंशनड दैट इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। इन फैक्ट इन द आर्टिकल 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन उसमें क्या मैंशनड है दैट इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसमें नहीं लिखा दैट इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। नो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही मैंशनड है दैट इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो इन द लास्ट चैप्टर हमने देखा था फोर्थ शेड्यूल में क्या है, आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स। इन द सेम वे फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, हमारे जो सारे स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स मैंशनड हैं, सारे हमें याद रखने पड़ते हैं, बट दैट वी विल कवर इन द अपकमिंग क्लासेस। बट इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव कवर्ड फोर्थ शेड्यूल एंड नाउ वी हैव कवर्ड फर्स्ट शेड्यूल। सो प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर दिस। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इवन मैंशन द वर्ड फेडरेशन, इन फैक्ट इट डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट इज फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर इज डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, बट दो देयर इज अ डिविजन ऑफ पावर्स स्टिल द सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज मोर स्ट्रोंगर, इट इज़ फार मोर स्ट्रोंगर दैन द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये क्यों है, क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दी है, वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। तो रीज़न ये है कि उस टाइम पे जब हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी, व्हाइल द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स देवर फ्रेमिंग ड्राफ्टिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम पे देयर वर वेरियस सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जैसे कि पॉवर्टी बहुत थी उस टाइम पे, राइट, और बहुत ही हमें एक सोशो पॉलिटिकल चेंज लेके आनी थी, देर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एट दैट टाइम। तो इसीलिए एक अच्छी डेवलपमेंट लाने के लिए एक जो डेवलपमेंट का कंसर्न था, कंसर्न फॉर यूनिटी, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिविजन्स थी, देर वर डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स, देर वर ब्रिटिश प्रोविंसेस, तो बहुत ज़्यादा डिविजन थी। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका कंसर्न था यूनिटी, वो चाहते थे कि यूनिटी आए, उनको ये भी पता था कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, सो डेफिनेटली वी नीड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, बट एट द सेम टाइम देयर कंसर्न वॉज यूनिटी एज वेल। वो एक यूनिटी भी बना के रखना चाहते थे और डिवेलपमेंट भी बहुत ज़्यादा बड़ा कंसर्न था उस टाइम पे। तो ड्यू टू दीज रीजन्स टू ब्रिंग अबाउट अ सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ द सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री एंड वेरियस कंसर्न्स फॉर यूनिटी एंड डिवेलपमेंट। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने हमारा जो इंडिया का फेडरलिज्म है वो कैसा फेडरलिज्म बनाया, अ फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। Now let us look at the important provisions that create a strong central government. तो कौन से ऐसे provisions हैं जिससे हमें पता चलता है that we have a strong central government, that we will be discussing now. First, the very existence of a state including its territorial integrity is in the hands of the पार्लियामेंट। तो हमारे जितने भी स्टेट्स हैं उनकी जो एग्जिस्टेंस है ना वो पार्लियामेंट की वजह से ही है। पार्लियामेंट क्या था, हमारा जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है। तो एक स्टेट की जो एग्जिस्टेंस है वो पार्लियामेंट की तरफ से ही है। दैट मींस जो हमारा पार्लियामेंट है वो कभी भी नया स्टेट बना सकता है, जैसे कि अभी तेलंगाना बना था। तो जो सारा प्रोसीजर इन्वॉल्व है वो कौन करता है, पार्लियामेंट। किसी भी स्टेट की बाउंड्री चेंज करना
या किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये पार्लियामेंट के हाथ में है। तो बेसिकली जो सारी ये एक स्टेट की एग्जिस्टेंस है, कभी भी स्टेट का नाम चेंज करना, बाउंड्री चेंज करना, वो सब कुछ हमारा जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसी के हाथ में है। बट ऑब्वियसली द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड सम सेफगार्ड्स ताकि पार्लियामेंट अपनी ये जो पावर है उसका मिसयूज़ ना कर पाए। सो द फर्स्ट प्रोविजन इज़ दैट द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इज इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ सर्टेन वेरी पावरफुल इमरजेंसी प्रोविजन्स। तो इमरजेंसी प्रोविजन्स भी मैंशनड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका मतलब ये होता है दैट जैसे कभी भी किसी टाइम पे वॉर हो गया तो एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई, तो ऐसे टाइम पे इन सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। दैट मीन्स वी गेट कन्वर्टेड फ्रॉम अ फेडरल कंट्री इनटू अ यूनिटरी कंट्री। तो कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस में हमारी जो सारी पावर्स है उस टाइम पे हम एक यूनिटरी कंट्री बन जाते हैं। दैट मींस जो स्टेट की पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं। सो द सेकंड प्रोविजन इज़ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ सर्टेन वेरी पावरफुल इमरजेंसी प्रोविजंस व्हिच कैन टर्न आवर फेडरल पॉलिटी इनटू अ हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम वंस इमरजेंसी इज़ डिक्लेयर्ड। नेक्स्ट इज़ इवन ड्यूरिंग नॉर्मल सर्कमस्टांसिस द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ वेरी इफेक्टिव फाइनेंशियल पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो हमारे जो भी ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या फिर ग्रांट्स हैं उसके लिए जो स्टेट्स हैं, स्टेट फाइनेंशियली डिपेंडेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। आपने बहुत बार ये देखा होगा जैसे कोरोना टाइम पे भी स्टेट्स ग्रांट्स मांग रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट पे। उन्होंने बोला कि जो सारे बिजनेस ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ लॉकडाउन स्टेट्स ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे थे, सो दे वर आस्किंग द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर हेल्प। तो जो हमारे स्टेट्स हैं दे आर डिपेंडेंट फाइनेंशियली ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट इट हैज़ वेरी इफेक्टिव फाइनेंशियल पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और अगर कोई भी स्टेट लोन मांगता है सेंटर से तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही डिस्क्रिशन है टू गिव ग्रांट्स एंड लोन्स टू द स्टेट्स। सो दिस वॉज द थर्ड प्रोविजन। नेक्स्ट इज द गवर्नर हैज़ सर्टेन पावर्स टू रिकमेंड डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। तो जैसे हमने देखा था कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, प्रेसिडेंट। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट में कौन है एग्जीक्यूटिव के हेड, वो है गवर्नर। बट ये जो गवर्नर होते हैं इनको सेंटर का एजेंट बोला जाता है, क्योंकि जो गवर्नर होते हैं उनको इलेक्ट नहीं किया जाता। ना तो हम गवर्नर को इलेक्ट करते हैं ना ही MPs MLAs उनको इलेक्ट करते हैं। तो गवर्नर को अपॉइंट कैसे किया जाता है, ये पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर का डिस्क्रिशन होता है कि वो किसी भी इंसान को वो एक गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं। एनीबडी कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर एंड इट इज़ प्योरली द डिस्क्रिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो जैसे अगर नेक्स्ट टाइम जो हमारी गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल मोदी गवर्नमेंट नेक्स्ट इलेक्शंस में दे डू नॉट कम इनटू पावर और कांग्रेस पावर में आ जाती है, तो वो क्या करेंगे, जितने भी गवर्नर्स हैं जो BJP के गवर्नर्स हैं वो उनको हटा के नए गवर्नर्स अपॉइंट कर देंगे कांग्रेस के। तो ऐसे गवर्नर्स अपॉइंट होते हैं। तो इसीलिए गवर्नर को एजेंट बोला जाता है सेंटर का, क्योंकि अगर गवर्नर को लगे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रेकमेंड कर सकते हैं टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। इनफैक्ट बहुत सारे जो बिल होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट पास करती है वो गवर्नर क्या करते हैं, रिजर्व कर लेते हैं फॉर दी कॉन्फर्मेशन या फॉर दी असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इस तरह से जो गवर्नर भी है उनको बोला जाता है दैट ही इज़ द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दिस इज़ द अनदर प्रोविजन विच स्टेट्स दैट येस द सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज़ मोर पावरफुल मोर स्ट्रॉन्ग दैन द स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट इज़ देयर मे बी ओकेजन्स वेन द सिचुएशन मे डिमांड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू लेजिस्लेट ऑन मैटर्स फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। तो बहुत बार ये भी होता है कि जो स्टेट लिस्ट में हमने बोला कि उस पर जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन है उसके ऊपर सिर्फ
जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो लॉज बना सकती हैं, बट बहुत बार कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाती है विच वी हैव रेड अंडर द राज्यसभा ऑल्सो इन द प्रीवियस चैप्टर। तो अगर राज्यसभा अलाउ करे तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट लिस्ट के ऊपर जो सब्जेक्ट्स मेंशन है उसके ऊपर भी लॉज बना सकती है। आई वुड लाइक टू रेफर अ करंट सिचुएशन हियर। ये जो फार्मर बिल का डिस्प्यूट है, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट इशू है वो ये भी है कि जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स लॉज बना सकती हैं, बट देन व्हाई इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी ने क्यों बनाया उसके ऊपर लॉ, सिंस द सब्जेक्ट ये जो एग्रीकल्चर का मैटर है वो स्टेट्स के अंडर आता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द इशू। ऐसे ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। सो नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है एंड द सुप्रीम कोर्ट द जुडिशरी विल डिसाइड ऑन दिस डिस्प्यूट। नेक्स्ट इज़ दी ऑल इंडिया सर्विसेज आर कॉमन टू दी एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड ऑफिसर्स चोजन फॉर दीज सर्विसेज सर्व इन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स। तो जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, IAS की, IPS की, तो ये जो IAS IPS होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, UPSC सेंटर की बॉडी है, वो अपॉइंट करेंगे। और ये काम कहाँ पे करते हैं? स्टेट्स में, राइट। बट काम वो स्टेट्स में करते हैं, बट उनके ऊपर जो सारा कंट्रोल है वो किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन अगर इनके अगेंस्ट लेना है दैट विल ऑल्सो बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, दो दे आर कॉमन, उनको अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है स्टेट्स में, बट स्टिल उनके ऊपर जो डिसिप्लिनरी एक्शन है दैट कैन ओनली बी टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड नॉट ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। सो दिस इज द अनदर प्रोविजन विच प्रूव्स दैट येस द सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज मोर स्ट्रांग दैन द स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट इज आर्टिकल 33 and 34 authorize the parliament to protect persons in the service of the union or a state in respect of any action taken by them during martial law to maintain or restore order। तो ये जो प्रोविज़न है आर्टिकल 33 and 34 के अंडर, इसमें भी पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर है। इन दिस प्रोविज़न ऑल्सो स्ट्रेंथन्स द पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। एफ्सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस। दीज ऑल्सो प्रोविजन्स, दीज प्रोविजन्स, इसमें भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स है वो स्टेट में ऐसे कुछ प्रोविजन्स लेके आते हैं, तो ये भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को है ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है। बट इन प्रोविजन्स की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन भी रहती है स्टेट गवर्नमेंट्स, दे रिवोल्ट अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ प्रोविजन्स विच आर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दीज वर द वेरियस प्रोविजन्स जिसमें हमने ये देखा कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर दैन द स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट्स इन द इंडियन फेडरल सिस्टम। तो हमने ये देखा कि जो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज अराइज होते हैं। जैसे कि पहला इशू है डिमांड्स फॉर अटोनमी। बहुत सारे स्टेट्स हैं वो अटोनमी डिमांड करते हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं। जैसे पंजाब में था, खालिस्तान बनाने को बोला गया था कि एक अलग से हमें खालिस्तान, सिर्फ पंजाबी स्पीकिंग हमें अलग से एक स्टेट चाहिए। नागालैंड का इशू है कि हमें एक अलग से अपना नागालैंड चाहिए, राइट, नागास के लिए एक अलग से हमें स्टेट चाहिए। तो ऐसी जो डिमांड्स है वो टाइम टू टाइम आती है स्टेट से, उनको ज़्यादा अटोनमी चाहिए, अलग से उनको अपने स्टेट्स भी चाहिए। वो ये चाहते हैं कि ये जो डिवीज़न ऑफ पावर्स है इट शुड बी मोर इन द फेवर ऑफ द स्टेट्स। फाइनेंशियली वो कहते हैं कि हमें ज़्यादा रेवेन्यू, जो टैक्सेस वगैरह है, ज़्यादा वो हमारे हाथ में होना चाहिए, सो दैट वी कैन कलेक्ट मोर एंड मोर रेवेन्यूज, सो दैट हम लेस फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो सके सेंटर के ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं वो ऑटोनमी डिमांड करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट इज़ अनदर डिमांड इज़ दैट स्टेट्स शुड हैव इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी हैं, या फिर बहुत बार ये कल्चरल और लिंग्विस्टिक इश्यूज़ के ऊपर, जैसे कि मैंने अभी खालिस्तान का बताया या फिर नागालैंड का, तो ऐसे भी बहुत सारे स्टेट्स हैं उनको एक अलग से अपना कल्चर प्रोटेक्ट करने के लिए, लैंग्वेज प्रोटेक्ट करने के लिए वो कहते हैं कि हमें एक अलग से स्टेट बनाना है, या डिफरेंट ऑटोनमस पावर्स। तो ऐसे बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो हमारी कंट्री में अराइज होते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम।
नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ गवर्नर्स एंड प्रेजिडेंट्स रूल. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस कि जो गवर्नर हैं वो उनके इलेक्शंस नहीं होते, वो जो हमारी गवर्नमेंट होती है अपने डिस्क्रिशन के ऊपर वो गवर्नर्स को अपॉइंट करती हैं. दैट इज़ वाई जो गवर्नर है उनको एजेंट बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, या फिर उनको ये भी बोला जाता है कि जो गवर्नर के एक्शंस हैं वो एक तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है इन द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स. तो ऐसे बहुत बार ये होता है, क्योंकि पहले ज़्यादा ये चीज़ें होती थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी, जब एक स्टेट में गवर्नमेंट बननी होती थी, बहुत बार अगर किसी पार्टी की मेजॉरिटी भी होती थी, स्टिल वो जो गवर्नर होते थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे उस पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो बनने ही नहीं देते थे. सो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यूज्ड टू एग्जिस्ट. बहुत बार जो एक बिल होता है जो स्टेट गवर्नमेंट पास करती है वो गवर्नर रिजर्व कर लेते हैं फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ऐसी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस इसको माना जाता है. तो इस वजह से एक सरकारी कमीशन अपॉइंट किया गया था बाय आर सेंट्रल गवर्नमेंट. काइंडली रिमेंबर मेनी अ टाइम्स, इनफैक्ट मेनी मेनी टाइम्स इन डिफरेंट एग्जाम्स यू गेट दिस डायरेक्ट क्वेश्चन दैट सरकारी कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग व्हाट इश्यूज. सो इट वाज अपॉइंटेड टू एग्जामिन द इश्यूज रिलेटिंग टू द सेंटर स्टेट रिलेशंस. तो हमारे सरकारी कमीशन ने बहुत ज़्यादा चीज़ें रेकमेंड करी थी. इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला था कि कोई भी पॉलिटिकली अपॉइंटमेंट, पॉलिटिकल नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए. कुछ एक ऐसे लोग अपॉइंट करने चाहिए एज गवर्नर्स जो कि पॉलिटिकली न्यूट्रल हों, ताकि जो गवर्नर है वो एफिशिएंटली वर्क कर सके. तो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशंस थी. दैट ऑल्सो वी विल स्टडी इन दी अपकमिंग क्लासेस. तो एक और इम्पॉर्टेंट जो कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स वो है आर्टिकल 356. ये जो आर्टिकल 356 है ये है स्टेट इमरजेंसी. पहले हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि इमरजेंसी प्रोविजंस है. तो एक नेशनल इमरजेंसी होती है, स्टेट इमरजेंसी होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है. तो 356 में है स्टेट इमरजेंसी. उसमें यही होता है कि अगर गवर्नर रेकमेंड कर दे प्रेसिडेंट को कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इट इज़ नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसे टाइम पे जो सारी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स होती हैं दे गेट शिफ्टेड इन द हैंड्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. तो स्टेट्स का ये कहना है कि ये पावर्स बहुत बार आर्बिट्रेरीली जो यूज़ करी जाती हैं, दैट मीन्स बहुत बार इतनी कोई इमरजेंसी होती भी नहीं है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि वो इंटरफेयर करती है तो ये आर्टिकल 356 जो है इसका मिसयूज़ होता है. सो दिस इज़ हाउ मैनी अ टाइम्स आर्टिकल 356 इज़ मिसयूज्ड, बिकॉज मैनी अ टाइम्स द वे द सेंट्रल गवर्नमेंट इट टेक्स अवे द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सो समटाइम्स इट इज़ नॉट जस्टिफाइड. एंड दैट इज़ वाई द जुडिशरी इट हैज़ सेड दैट ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे आर नाउ अंडर जुडिशियल रिव्यू. दैट मीन्स द जुडिशरी विल रिव्यू ऑल दीज डिसीजंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो नेक्स्ट इज दिस इज़ द इमेज ऑफ सरकारी कमीशन. सो दिस हैज़ लेड टू मैनी कॉन्फ्लिक्ट इन मैनी स्टेट्स. इन मैनी केसेज स्टेट गवर्नमेंट्स वर डिसमिस्ड इवन वेन दे हैड अ मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर. सो मैनी दीज काइंड ऑफ इशूज हैव एग्जिस्टेड एंड नाउ दे आर एग्जामिंड बाई द इंडिपेंडेंट जुडिशरी. नेक्स्ट इज डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स. सो एज वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड दैट मैनी स्टेट्स दे बिसाइड्स देयर डिमांड फॉर ऑटोनॉमी दे ऑल्सो डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स. For example, Nagaland, they want their own land, and Vidarbha from Maharashtra, they also want their own state or their own land. Khalistan, there were demands in Punjab for their own state of Khalistan. So these are different kind of demands which start from time to time. So after independence, basically there were many princely states, there were British provinces. You must have studied that in history. So in that time, in those times, a state reorganization commission was formed in 1953. तो उस कमीशन ने रेकमेंड किया था कि हमारे जो भी स्टेट्स हैं उनको हम लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करेंगे. लिंग्विस्टिक स्टेट्स उस टाइम पे बनाए गए थे, बट जो उस टाइम पे स्टेट्स बना दिए थे लिंग्विस्टिक बेसिस पे, आज भी वो जो डिमांड्स हैं दे आर स्टिल कंटिन्यूड लैंग्वेज के बेसिस पे.
कल्चर के बेसिस पे स्टेट्स डिमांड करते हैं. सम रीजन्स एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर सेपरेट स्टेटहुड लाइक विदर्भा इन महाराष्ट्र. तो ऐसी कुछ डिमांड्स हैं ऑटोनॉमी के अलावा स्टेट्स जो एक न्यू स्टेट्स बनाने की डिमांड्स भी रखते हैं. तो अभी तक तो हमने देखा कि सेंटर और स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट्स बस, बट इसके अलावा जो स्टेट्स के हैं वो आपस में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बॉर्डर के बेसिस पे भी हो सकते हैं जिनको हम कहते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स. और ये जो डिस्प्यूट्स हैं ये रिवर वाटर की शेयरिंग को लेके भी हो सकते हैं जिनको हम कहते हैं डिस्प्यूट्स ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, जैसे कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट, एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड ऑफ दैट. उसके अलावा नर्मदा रिवर के वाटर को लेके गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में डिस्प्यूट्स है, पंजाब और हरियाणा का सतलुज यमुना लिंक. तो ऐसे कुछ बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं स्टेट्स के आपस में भी, बॉर्डर के लिए भी और रिवर वाटर के भी. तो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑल्सो वेरी मच प्रिवेलेंट. नेक्स्ट इज स्पेशल प्रोविजंस. तो हमने ये तो देख लिया कि हमारा जो सेंटर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट एट द सेम टाइम हमारे कुछ स्टेट्स हैं जिनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं उनके कुछ कल्चरल डिस्टिंक्शन की वजह से. जैसे कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं, और ये जो स्पेशल प्रोविजंस हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इन दी अपकमिंग क्लासेस. ये जो क्लास है दिस इज जस्ट फॉर द बिगिनर्स. हम बहुत ही बेसिक चीजें देख रहे हैं. वी आर जस्ट बिल्डिंग अ बेस. और इन दी अपकमिंग क्लासेस वी विल स्टडी दीज चैप्टर्स, दीज टॉपिक्स इन मोर एंड मोर डिटेल. तो जो स्पेशल प्रोविजंस है, एक तो हमने राज्यसभा वाले टॉपिक में देखा था कि जो स्टेट्स हैं जिनकी ज़्यादा पॉपुलेशन है उनका ज़्यादा कोटा है राज्यसभा में, तो ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं. उसके अलावा हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एक्सेट्रा, लार्जली ड्यू टू अ साइजेबल इंडिजिनस ट्राइबल पॉपुलेशन विद अ डिस्टिंक्ट हिस्ट्री एंड कल्चर, उनके उस कल्चर को रिटेन करने के लिए उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द स्पेशल प्रोविजंस. नेक्स्ट इज सैम्पल MCQs. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड नाउ वी विल कवर टू सैम्पल MCQs. फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट इज बाईकैमरल लेजिस्लेचर. तो हमें पता है कि जो सेकेंड हाउस है राज्यसभा, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, वो जो हाउस है वो स्टेट्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है. सो दैट इज अ फेडरल फीचर. नेक्स्ट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है. अगर वो रिजिड ना होता तो उसको ईजिली अमेंड कर सकते. तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हो सकता है कि वो उसको अपने फेवर में अमेंड करती. सो ये जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ अ फेडरल फीचर. नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी. ये तो क्योंकि हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है दैट इज़ वाई इट इज़ अ यूनिटरी फीचर एंड नॉट अ फेडरल फीचर. नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर. ये भी हमने देखा कि ये जो गवर्नर है उसको तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है गवर्नर की अपॉइंटमेंट को लेके. सो दैट इज नॉट अ फेडरल फीचर. सो द आंसर बिकम्स बाइकैमरल लेजिस्लेचर एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. 1 and 2 only A. Next is which of the following are included in the union list. First is foreign affairs. Yes, it is included in the union list. Next is airways. Yes, it is included in the union list. करेंसी एंड कॉइनेज येस. एंड नेक्स्ट इज़ फॉरेन ट्रेड. सो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये एक यूनियन लिस्ट में है क्योंकि ये एक सेंट्रल इम्पॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं. तो जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये एक पेज है, 159 पेज है इस बुक में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स मेंशन है. प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर दिस. ऐसे बहुत ही क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में. सो ट्राई टू रिमेंबर कि कौन सा जो सब्जेक्ट है वो कौन सी लिस्ट में है. सो दीज वर सम सैम्पल MCQs. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू वेरी मच.